रायसेन जिले के वजनाई गांव में नवविवाहित की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसका समय पर इलाज नहीं करवाया। ससुराल वाले लाख रुपए दहेज लाने के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। जानकारी के मुताबिक फुलवती की शादी एक साल पहले अंजू चौधरी से हुई थी। फुलवती को पेट दर्द होने पर CHC लाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रायसेन पहुंचने से पहले प्रसूता ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए PM कराने से मना कर दिया। वहीं घटना के सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, ये लोग एक दिन पहले गए थे मतलब लेने के लिए लड़की को, इनके भाई और बहन वो भाभी, तो इनने भेजा है ना 1 लाख रुपए मांगने लगे। इन लगे 1 लाख रुपए लिया, उसके बाद ले जाना, छोड़ छुट्टी करो, इस टाइप की उनने बात करी। ये लोग आ गए फिर कल के लाने, मतलब तबीयत ज्यादा बड़ी तो ये लोग तो हॉस्पिटल ले जाए। इलाज कराया था इन लोगों ने? कुछ नहीं कराया, इलाज भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। भाई मैं गया था लेने के लिए, तो वो मांग लगे 1 लाख रुपया, कल लगे 1 लाख रुपया दे, इतवार के रोज गया था, कल लगे 1 लाख रुपया दे दो, तुम्हारी बहन को दे जा, मार के तैयार हो गया। अच्छा, इनकी जीजी मैं भंसार आ रहा हूँ पैसों की व्यवस्था करके, तो जिन्हें फोन लगा इनने फोन नहीं उठा, फिर रात में फिर सवेरे फोन लगा कही के आजा ले बे, ते हमार लगे ले बे। कित मेरे लड़का और बहू लेने गए थे परसों के रोज, इतवार के रोज, तो जे लोगों ने रंगाई नहीं कही चलो हम इलाज करा दे, तो लड़का होगा मार बे तैयार, कही 1 लाख अंजू नाम का, कही 1 लाख रुपया दे रहे, वो तो मेरी मोड़ी ले जाओ, कही मोड़ा घर आ गया साहब। और रात में लड़की को हम भंसारे, हमने फोन लगा तो कह लगे हम ले बे आ जाओ, और जे लोग लेके और बर्फ बारे मोड़ी का पता कहाँ लेगा, फिर हमें जिनने फोन नहीं लगा।